नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है मैंस व्लॉग। और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। पिछली वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कि वो क्या थे, जो F.W. टेलर थे जो उसके जिन्होंने उनको डिस्कवर किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट को, उनके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उनके प्रिंसिपल्स दिए थे उन्होंने कुछ उसके बारे में। चलो चलते हैं आगे। हेलो गाइस, शुरू करते हैं हमारी वीडियो, दैट इज ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट पार्ट 3। हमने पार्ट 1 और 2 में ये पढ़ा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, F.W. टेलर का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, क्या क्या किया। तो आज उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा उनके, कुछ जो उन्होंने फ्रेम किए थे अपने जब वो काम करते थे, तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले थे कि अगर वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी जो मैनेजमेंट की फ्लोज हैं, मैनेजमेंट के वर्क्स हैं, वो और अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रिंसिपल था, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड फोर्थ था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, ठीक है। तो पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इसमें क्या बताया था एडवर्ड टेलर ने कि ईच जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंट्यूशन एक्सपीरियंस एंड हिट एंड ट्रायल मैथड। उन्होंने ये कहा था कि हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उनको एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए। उनको हमें पता लगाना चाहिए कि भाई अगर हम इस काम को ऐसे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन क्या है इसके बिहाइंड में। ऐसा नहीं बस ऐसी इंट्यूशन लगा लिया इस काम को इसलिए करें क्योंकि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता होगा, नहीं। हमें हिट एंड ट्रायल मेथड भी नहीं करना, हमें एक्सपीरियंस पे भी नहीं चलना कि पास्ट में हमने ऐसा किया था इस बारे हम अब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यह देखना पड़ेगा कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, साइंटिफिकली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। टेलर सेज दैट देयर मस्ट बी अ थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन रूल ऑफ थंब। साइंस एंड रूल ऑफ थंब दोनों अलग अलग चीजें हैं। रूल ऑफ थंब में क्या होता था कि मैनेजर जो भी कह रहा है हम वो काम हमें करना है भैया, जो उसने कह दिया वो हमें करना है। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम वो काम करते हैं जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं दोनों का, कि क्या रिलेशनशिप आ रहा है दोनों का। तो इसमें यह बताया गया कि रूल ऑफ थंब में हमें सोचना नहीं पड़ता कुछ भी, जो हमें कह दिया वो हमें करना है। लेकिन टेलर क्या कह रहे हैं इसमें कि हमें कुछ भी करने से पहले कुछ सोचना है पहले कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सोचने के बाद ही हमें किसी काम को करना है कि इसके पॉजिटिव्स क्या होंगे, इसके नेगेटिव्स क्या होंगे, सब चीज़ सोचने के बाद करना है। जो मैंने अभी बताया, रूल ऑफ थंब इज डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, कि मैनेजर ने जो कह दिया हमें वो करना है, कुछ सोचना नहीं है उसके पीछे। अगला आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखनी है कि कॉज क्या था और उस कॉज को खत्म करने के लिए जो हमने कुछ अप्लाई किया कुछ भी हमने, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा। तो हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख के चलना है कि हम इस काम को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख के चलना है साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो पहला प्रिंसिपल उन्होंने क्या बताया कि हमें किसी भी काम को करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोचना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इस काम को ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, हम क्या इसका हम कोई बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं किसी और तरीके से करके। तो हमें ये सोचना है, खाली मैनेजर ने कह दिया कि इस काम को हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें पहले सोचना है साइंटिफिकली कि क्या ऐसा पॉसिबल है। जैसे अगर मैनेजर ने कहा कि भैया ये काम को 8 घंटे में कंप्लीट करना है, तो हमें साइंटिफिकली प्रूव करना होगा कि क्या ये काम 8 घंटे में खत्म हो सकता है, कि हम इसलिए तो खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमारे मैनेजर ने हमसे कह दिया कि 8 घंटे में खत्म करना है तो इसलिए हम 8 घंटे में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। हमें सोचना है सबसे पहले, टेलर ने ये कहा था कि हमें पहले सोचना है कि क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है इस काम को 8 घंटे में खत्म करना, तो सब चीज हमें देखनी है। अगला जो प्रिंसिपल बताया था वो था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है कि सब एकजुट के काम कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के कमियां निकाल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें एक मिलजुल कर रहना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हू वर्क टूगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी, दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग।
मतलब जो भी काम कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो म्यूचुअल गिव एंड टेक से होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं तेरा कोई काम कर रहा हूँ, तू मेरा कोई हेल्प कर रहा है, तो एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसा काम कर रहा है तो हम ये सोच रहे हैं यार वो तो मेरे को खाली मेरे को बताता ही रहता है हर समय, मैं उसी की बात सुन के काम कर रहा हूँ। नहीं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा आपसे, आपका कलीग कोई कुछ कह रहा है आपसे, तो वो आपसे क्यों कह रहा है। अगर आपको वो कोई एडवाइस दे रहा है तो उस एडवाइस को मानो, उस एडवाइस को लेकर उस काम को करने की कोशिश करो। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक एक ग्रुप मिलजुल कर काम नहीं करेगा हारमनी में, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। तो इसलिए म्यूचुअल गिव एंड टेक से काम करना बहुत जरूरी है। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। हर ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है वर्कर ग्रुप जो मतलब फैक्ट्रीज में काम करता है, जो मेन वर्कर होते हैं, और एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप जो मतलब आपके लिए पॉलिसीज बनाता है, जो बनाता है कि आपको कैसे काम करना है, पॉलिसीज बना रहा है, रूल्स बना रहा है, रेगुलेशन कर रहा है, आपको मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, दैट इज अ मैनेजर ग्रुप। तो दो ग्रुप होते हैं, वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। बोथ द ग्रुप्स आर राइवल्स ऑफ ईच अदर। वर्कर ग्रुप थिंक दैट दे आर अंडरपेड एंड ओवरबर्डन, एंड मैनेजमेंट ग्रुप थिंक वर्कर आर गुड फॉर नथिंग। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मैनेजमेंट ग्रुप ये सोचता है कि वर्कर ग्रुप किसी काम का नहीं है, और वर्कर ग्रुप ये सोचता है कि मैनेजमेंट उन्हें कम पे कर रही है और ओवरबर्डन, काम ज्यादा करा रही है और कम पे कर रही है। टेलर इंसिस्ट ऑन दैट देयर इज अ नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। टेलर का ये कहना था कि दोनों ग्रुप को अपने एटीट्यूड चेंज करने पड़ेंगे, वर्कर ग्रुप को भी और मैनेजमेंट ग्रुप को भी। अब एटीट्यूड कैसे चेंज होगा? एटीट्यूड इस तरीके से चेंज होगा कि वर्कर ग्रुप ये सोचे कि अगर उन्हें ज्यादा काम दिया जाएगा तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी लेके चलें कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए, और मैनेजमेंट ग्रुप भी ये सोचे कि नहीं, मेरा वर्कर उसके कैपेबिलिटीज को समझे और उसको हिसाब से उसको काम देना स्टार्ट करें। तो टेलर ने ये कहा था कि टेलर इंसिस्ट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। मैंने वही बताया अभी कि एक दूसरे के लिए जो हमारा आउटलुक है, थिंकिंग है हमारा, वो है हमें वो चेंज करना पड़ेगा, और जो एटीट्यूड है वो चेंज करना पड़ेगा। दे शुड डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग लाए, ठीक है, एंड वर्क विथ हारमोनी बट नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी के साथ काम करें, डिस्कॉर्ड के साथ काम ना करें, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव ही एक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही एक है तो हम लड़े क्यों आपस में? हम एक मिलजुल कर काम करेंगे, हम एक दूसरे की कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम उसको उजागर करेंगे कि यार तू ये काम नहीं कर सकता, तू ये काम नहीं कर सकता, ना कि हम ये बताएंगे यार तू ये वाला काम नहीं कर सकता, इस वाले काम को ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो उसको एडवाइस देते चलेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम प्रॉफिट देना, ठीक है। तो अगला प्रिंसिपल चलते हैं, अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड आउट इन कॉरपोरेशन विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। मैंने पहले ही बताया कि जो भी हम काम करें वो कॉर्पोरेट करके करें, एक दूसरे की हेल्प करके करें। अगर किसी पे कोई काम नहीं हो रहा है तो हम जाएं उसकी हेल्प करें, उसको मदद करके उस काम को ख़त्म करें, और अगर हमें किसी की हेल्प चाहिए तो हम शर्माएं नहीं, हम जाएं हम उसकी हेल्प मांगें और हेल्प लेकर उसके काम को ख़त्म करें। बिकॉज एट द एंड हमारा मकसद क्या है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम ना रुके, हमारा काम टाइम पे हो जाए। वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कॉरपोरेशन। मिलजुल कर काम करें दोस्तों, ठीक है। मैनेजमेंट शुड टेक वर्कर इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर दैम, बिकॉज वेन स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स आर सेटअप इन कंसल्टेशन ऑफ वर्कर दैन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। मगर अगर हम कोई भी काम डिसाइड कर रहे हैं अपने वर्कर के लिए, मैनेजमेंट अगर मैनेजमेंट कोई काम डिसाइड कर रहा है अपने वर्कर के लिए, तो वो उनसे कंसल्ट कर ले कि भाई मैं तेरे को ये वाला काम दे रहा हूँ, तेरे को ये करना पड़ेगा। बिकॉज जब मैनेजमेंट ऐसा करेगी तो वर्कर को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, तो वो अपना मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करेगा उस आउटपुट को अचीव करने के लिए, जो मैनेजमेंट ने उसको काम दिया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो अपना 100% लगा देगा। तो इसलिए जब भी मैनेजमेंट कोई काम निर्धारित कर रही हो वर्कर के लिए, तो उसको बता दे, उससे कंसल्ट कर ले और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको काम दे दे, जिससे वो अपना 100% रख के उस काम को अचीव कर ले। चलते अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटर सफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर।
किसी भी फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है कि उसका वर्कर कितना एफिशिएंट है, उसका वर्कर कितने देर में काम कर सकता है मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम मैक्सिमम आउटपुट निकाल के उन्हें दे सकता है। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड द सिलेक्शन, कि हम प्रॉपर सिलेक्शन करें, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें पहले तो अपने एम्प्लॉयज को, और फिर एक राइट पर्सन को राइट जॉब पे सेलेक्ट करने की कोशिश करें। बिकॉज अब एक अगर हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे सेलेक्ट करेंगे तो ही हम एक अच्छे अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। टेलर इंसिस्ट ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। टेलर का क्या कहना है कि पहले तो जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं एम्प्लॉयज का तो बड़े ध्यान से सेलेक्ट करें किसी भी एम्प्लॉय को, और सेलेक्ट करने के बाद उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दे, और ट्रेनिंग देने के बाद उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको काम पकड़ा दे। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो जिसे मैंने आपको ये बताया कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने आपको बताया जो चार प्रिंसिपल्स थे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हमने ये चार प्रिंसिपल्स पढ़े, अगर ये चार प्रिंसिपल्स हमारे पास अगर हम अच्छी तरीके से कर लेंगे तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटर रिजल्ट्स ला पाएंगे। ठीक है, तो जो मेरी अगली वीडियो होगी वो होगी साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, इसमें हम कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम स्टडी, जैसे टाइम स्टडी हो गया, मोशन स्टडी हो गया, वर्क स्टडी हो गया, तो हम इनके हिसाब से पढ़ेंगे कि इनको यूज करके कैसे हम एक काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, इस वीडियो को आपको को सीखने को मिला होगा जो प्रिंसिपल्स बताए थे एब्लू टेलर ने, तो वो कैसे ही प्रिंसिपल्स थे और उनका कैसे इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर आपने ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा।